दोस्तों आपके अपने चैनल यश की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। एक नंबर भी नहीं कटने देंगे आपका। 100% गारंटी है कि आपको हम 100 नंबर पक्का दिलाएंगे और अब की बार 95% के पार अगर आपको लेना है 2023 बोर्ड में, तो आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको 100% नंबर आपको पक्का करना है फिजिक्स क्लास 12 में, तो आपको जो टॉपिक्स हम बताएंगे उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे हमारे कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। चलिए टॉपिक्स को देखते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, यहां पर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स होंगे सारे टॉपिक्स को हमने ले लिया है और आपको भी अपने कॉपी में इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से लिख लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको 100 में से 100 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता, किसी का बाप नहीं रोक सकता और आपको यहाँ पर 100 नंबर हम पक्का दिलाकर ही जाएंगे। देखिए, हमारा पहला चैप्टर क्या है, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। आपको बस यही करना है कि जितना टॉपिक हम बताएंगे उस टॉपिक को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में पढ़ लेना है, रट लेना है, लिख लेना है और दिमाग में घुसा लेना है। देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है, आवेशों के मध्य लगने वाला बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, आपको लिख लेना है इसको। उसके बाद हमारा क्या आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही ट्रेंडिंग आपका टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद उससे भी ट्रेंडिंग आपका टॉपिक आता है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम। आप सभी लोग जानते हैं इसको, आप सभी लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, वो क्या है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम है। उसके बाद हमारा क्या आता है, वैद्युत बल रेखाएं एक सतत वक्र हैं, ये बल रेखाएं एकाएक विखंडित नहीं हो सकती हैं, क्यों, इसका कारण आपको लिखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। उसके बाद देखिए, दो बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों, इसका कारण भी आपको लिखना है। एग्जामिनर के दिमाग से आपको दिमाग को पढ़ना है, पेपर को पढ़ना है, जिस चीजों को पूछता है उसी चीजों को यहाँ पर हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए जो अगला टॉपिक आपका है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ ही लेना है। उसके बाद हमारा आता है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या याद करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, इसको आपको जरूर से जरूर लिखना है। उसके बाद देखिए, अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, वैद्युत फ्लक्स के क्या तात्पर्य है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसको आपको लिखना है। और उससे भी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक आपका गॉस का नियम, आपका 6 नंबर वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए, अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या, अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होगा इसको आपको लिखना होगा। उसके बाद चलिए आगे आपको बताते हैं,
अगला टॉपिक देखिए, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर। क्या वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर? उसके बाद संधारित्र का समांतर संयोजन एवं श्रेणी संयोजन बहुत बार पूछा गया प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए टॉपिक है और आपको कोई काट ही नहीं सकता है। आज आपको हम पूरा पूरा फिजिक्स बताकर जाएंगे यहां से। संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए, किसी वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र आपको लिखना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन आपको करना है, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो इसमें भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसको आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निगमन कीजिए। क्या ज्ञात करना है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक का निगमन कीजिए। उसके बाद वैन डेर ग्राफ संयंत्र, एकदम क्रीम वाला आपके लिए जो टॉपिक है ना, बहुत ही सरल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, वैन डेर ग्राफ संयंत्र। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विशिष्ट प्रतिरोध अपवाह वेग ओम का नियम। तीनों ट्रेंडिंग टॉपिक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण, आपको लिख लेना है, ठीक। चलिए अगला टॉपिक देखिए, किरचॉफ का नियम एवं वैद्युत परिपथ जो प्रश्न आपके आते हैं। सेल के वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल, विभव मापी, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, वेरी वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक आपके लिए ये समर्पित हैं और आपको लिख लेना है, याद कर लेना, रट लेना, दिमाग में घुसा लेना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद देखिए क्या आएगा हमारा, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र आपके लिए, चुंबकीय क्षेत्र को भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जब हम किसी चुंबक को किसी स्थान पर रख देते हैं, जहां तक वह चुंबक किसी लोहे की चीज को अपनी ओर आकर्षित करने का या अपने से दूर करने का जो गुण रखता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, या जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं आपको मिलेंगी वो उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। उसके बाद अगला टॉपिक चुंबकशीलता है। उसके बाद धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बायो सेवर्ड का नियम हमने बहुत बार पढ़ाया है और आपको वीडियो में जाकर देख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, दो समांतर चालक धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, ट्रेंडिंग टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, धारा मापी की, यानी धारा मापी की सुग्राहिता था वोल्टेज सुग्राहिता, इसको भी आपको लिख लेना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर्ण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर्ण, चल कुंडली धारा मापी किसे कहते हैं, इसको भी आपको लिख लेना है। अगला टॉपिक हमारा देखिए, भू चुंबकत्व, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 36 घटक, ऊर्ध्वाधर घटक तथा नमन कोण। उसके बाद देखिए, दिक्पात कोण, नमन कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक की परिभाषा दीजिए। उसका देखिए चैप्टर 9 की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, तीनों आपके जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। लंबी धारावाही प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र, फैराडे का नियम, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक। सारे आपको ट्रेंडिंग टॉपिक हम बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावनाएं रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम 100 नंबर पूरा दिलाकर ही जाने वाले हैं। चलिए अगला टॉपिक देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल सी व आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिपथ की परिभाषा तथा कलास कोण फाई का व्यंजन लिखिए। उसका देखिए, प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के लिए सूत्र लिखिए। अनुनादी परिपथ क्या होता है उसको आपको बताना है। ट्रांसफार्मर, क्या ट्रांसफार्मर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला टॉपिक देखिए आपके लिए क्या है, प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र। उसके बाद क्रांतिक कोण की परिभाषा, क्रांतिक कोण और यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाशिक तंत्र,
ये भी आपके लिए एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में बहुत बार आया हुआ टॉपिक है, उसका देखिए क्या है, लेंस की क्षमता, लेंस द्वारा प्रकाश की अपवर्तन के न्यूटन का सूत्र और फोकस क्या होता है, इसको भी आपको लिखना है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण का जो 20 ग्राफ है उसको आपको लिखना है। उसका देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, इसको आपको लिखना है। उसका देखिए अगला टॉपिक जो ट्रेंडिंग टॉपिक है आपके लिए, वो ट्रेंडिंग टॉपिक 100% आने वाले टॉपिक, खगोलीय दूरदर्शी, मानव नेत्र, दोष और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और परावर्तन दूरदर्शी, ये आपके ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इसमें कंफर्म होता है कि आपके ये टॉपिक जरूर जरूर आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको लिख लेना है और अच्छी तरीके से पढ़ लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसका देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रकाश की प्रकृति क्या, प्रकाश की प्रकृति, हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत और तरंगार्ग, ये हमारा क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अध्यारोपण का सिद्धांत, कला संबंध स्रोत, व्यतिकरण, फ्रिंज की चौड़ाई और व्यतिकरण, ये भी हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, विवर्तन और फ्रेनल दूरी, ये आपका नया टॉपिक है और ट्रेंडिंग टॉपिक आपके लिए बनने वाला है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। उसके बाद हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, द्रे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और द्रव्य तरंग की प्रकृति, इसको भी आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, पढ़ लेना है हमेशा के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल और स्पेक्ट्रम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगला टॉपिक देखिए जो ट्रेंडिंग टॉपिक आपके लिए बनने वाले हैं, नाभिक की त्रिज्या, नाभिकों का वर्णीकरण वर्गीकरण, नाभिकीय बल, परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु क्रमांक। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आने वाला है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाले हैं। चलिए अगला टॉपिक की बात करेंगे, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक आपके लिए है, ठोसों में ऊर्जा बैंड, पीएन संधि डायोड, प्रकाश उत्सर्जन डायोड, फोटो डायोड और सौर सेल, तो ये आपके जो ट्रेंडिंग टॉपिक थे मेरे प्यारे बच्चों, आपको लिख लेना है और अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको